वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सो आज हम करेंगे डेली करंट अफेयर्स जो होने वाले 14 एंड 15 अक्टूबर के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और जो बाकी बचे हुए हैं जैसे 16 से लेकर 20 तक के सो वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे सो so, गाइस इस वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है वो सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड कंप्यूटर की भी वीडियो आ चुकी है सो so आप वो आई कार्ड बटन पर जाकर देख सकते हैं मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी सो गाइज स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ विच हैज़ बिकम द फर्स्ट इस्टेट इन द कंट्री टू हैव हाई टेक क्लास रूम इन ऑल इट्स पब्लिक इस्कूल सो हमें यह बताना है वो फर्स्ट स्टेट कौन सी बनी है कंट्री में जिसको मतलब जिसके अंदर हाई टेक क्लास रूम है सारी पब्लिक स्कूल्स में सो so, वो कौन सी स्टेट है दैट इज ऑप्शन सी केरला वो स्टेट है जो कि फर्स्ट स्टेट बनी है इन द कंट्री टू तो हैव हाईटेक क्लासरूम इन ऑल एड्स पब्लिक स्कूल्स अगर केरला की बात करें तो सी एम कौन है इसके सी एम इज पिनराई विजयन एंड द गवर्नर इज अरिफ मोहम्मद खान और इससे पहले केरला ने क्या क्या लॉन्च किया है एक तो लॉन्च किया था कर्मी रोबोट कर्मी रोबोट लॉन्च किया था कोविड नाइन्टीन पेशेंट के लिए और एक लॉन्च किया था इन्होंने फर्स्ट बैल इनिशिएटिव सो so, ये सब किसने लॉन्च किया है ये सब क्या है केरला की गवर्नमेंट ने सो so, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा सो नेक्स्ट पे मूव करते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल रिलीज द ऑटोबायोग्राफी टाइटल दे वेचवा करानी द ऑटोबायोग्राफी इज़ बेस्ड ऑन होम सो हमें यह बताना कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने रिलीज़ की है ऑटोबायोग्राफी जिसका टाइटल अभी हमने पढ़ लिया ठीक है सो so, हमें ये बताना है जो ऑटोबायोग्राफी है ये किस पर बेस्ड है मतलब किस पर यह लिखी गई है ऑटोबायोग्राफी सो so, किस पर लिखी गई है दैट इज़ ऑप्शन बी बाला साहिब विखे पाटिल पर यह बाय लिखी गई है जो कि रिलीज़ किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी विल रिलीज़ द ऑटोबायोग्राफी टाइटल दे वैचवा करानी द ऑटोबायोग्राफी इज बेस्ड ऑन बाला साहेब विखे पाटिल सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन सो नेक्स्ट पे मूव करते हैं वॉट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इन इक्वेलिटी इंडेक्स ट्वेंटी ट्वेंटी रिलीज बाय ऑक्सफैम सो हमें ये बताना ही रैंक क्या है इंडिया की कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इन इक्वेलिटी इंडेक्स के अंदर जो कि रिलीज की है ऑक्सफैम ने सो so, क्या है इंडिया की रैंक दैट इज ऑप्शन ए वन ट्वेंटी नाइन्थ इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इन इक्वेलिटी इंडेक्स ट्वेंटी ट्वेंटी अगर बात करें टॉप किसने किया है सो so, टॉप क्या है इसके अंदर नॉर्वे ने ठीक है और इंडिया की रैंक है वन ट्वेंटी नाइन्थ ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन सो नेक्स्ट में मूव करते हैं नेम द इंडियन ओरिजन अकेडमिशियन हमें ये बताना है कि वो कौन है इंडियन ओरिजिन अकेडमिशियन जिनका नेम लिया गया है डीन ऑफ हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में सो so, वो कौन है दैट इज ऑप्शन बी श्रीकांत दत्ता इज अ नेम ऑफ द इंडियन ओरिजन अकेडमिशियन हैज बीन नेम्ड एज डीन ऑफ हार्वर्ड बिजनेस स्कूल सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन सो नेक्स्ट पे मूव करते हैं विच स्टेट विल लॉन्च मिशन शक्ति फॉर वुमेन फॉर अपकमिंग नवरात्रि फेस्टिवल सो हमें यह बताना है वो कौन सी स्टेट है जिसे लॉन्च किया है मिशन शक्ति वुमेन के लिए स्पेशली लॉन्च किया गया है जो अपकमिंग नवरात्रि फेस्टिवल है उसके अंदर सो so, वो कौन सी स्टेट है डैट इज ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश इज नेम ऑफ स्टेट विल लॉन्च मिशन शक्ति फॉर वूमेन फॉर अपकमिंग नवरात्रि फेस्टिवल अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो सी एम इज योगी आदित्यनाथ एंड द गवर्नर इज आनंदी बेन पटेल ऑप्शन करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन सो नेक्स्ट पे मूव करते हैं विच कंपनी हैज कंपनीज ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन टू प्रोवाइड ऑनलाइन कोर्स मॉड्यूल टू स्टूडेंट अक्रॉस द कंट्री सो हमें यह बताना है वो कौन सी कंपनी है जिसने पार्टनरशिप की है इंडियाज ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के साथ जिसे वो प्रोवाइड करेगी ऑनलाइन कोर्स मॉड्यूल स्टूडेंट को अक्रॉस द कंट्री सो वो कौन सी कंपनी है दैट इज ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट इज द नेम ऑफ द कंपनी जिसने पार्टनरशिप की है इंडिया ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के साथ जिसे वो प्रोवाइड करेगी ऑनलाइन कोर्स मॉड्यूल स्टूडेंट को अक्रॉस द कंट्री सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया विल डेवलप अ ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट एट होलोंगी इन विच स्टेट सो हमें यह बताना कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बिल्ड किया है ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट एट होलोंगी कौन सी स्टेट में सो so, कौन सी स्टेट में बिल्ड किया गया है दैट इज ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश में बिल्ड किया गया है होलोंगी में ठीक है अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो सी एम कॉन एज के पेमा खंडू एंड द गवर्नर एज बी डी मिश्रा सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन सो नेक्स्ट पे मूव करते हैं शोभा नायडू हु पासड अवे रिसेंटली वॉज एन एक्सपोनेंट ऑफ विच क्लासिकल डांस सो हमें यह बताना है कि शोभा नायडू जिनका निधन हो चुका है वो एक्सपोनेंट थी मतलब कौन से क्लासिकल डांस में सो कौन से क्लासिकल डांस में थी डैट इज ऑप्शन डी कुपुड़ी में ठीक है सो शोभा नायडू हु पासड अवे रिसेंटली वॉज एन एक्सपोनेंट ऑफ कुचीपुड़ी डांस सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इंडिया वॉज री इलेक्टेड एज अ प्रेजिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस विच कंट्री वॉज इलेक्टेड एज अ को प्रेजिडेंट ऑफ़ आई एस ए सो हमें ये बताना कि इंडिया को री इलेक्ट किया गया है प्रेजिडेंट ऑफ़ इंटरनेशनल सोलर अलायंस का सो so, हमें ये बताना है कि वो कौन सी कंट्री है जो कि इलेक्ट की गई है एज अ को प्रेजिडेंट ऑफ़ आई एस ए सो वो कौन सी कंट्री है दैट इज ऑप्शन सी फ्रांस वो कंट्री है जिसको सिलेक्ट किया गया है मतलब इलेक्ट किया गया है एज अ को प्रेजिडेंट ऑफ आई एस ए दैट इज़ इंटरनेशनल सोलर अलायंस और इंडिया को री इलेक्ट किया गया है एज अ प्रेजिडेंट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस अगर कैपिटल करेंसी की बात करें तो जर्मन इज बर्लिन करेंसीज यूरो इटली इज़ रोम एंड द करेंसी यूरो फ्रांस इज़ पेरिस एंड द करेंसी यूरोनाइटेड स्टेट इज वॉशिंगटन डी सी एंड द करेंसी इज डॉलर सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल रिलीज़ अ कोमेमोरेटिव कॉइन ऑफ वेटर नोमिनेशन ऑन द ओकेजन ऑफ एनिवर्सरी ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्सटीन ऑफ ऑक्टूबर सो हमें यह बताने कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिलीज़ किया है कॉमेमोरेटिव कॉइन सो वो कौन सा कॉइन है और एक कौन से ओकेजन पर मतलब रिलीज़ किया गया है जो ये ओकेजन था ये एनिवर्सरी थी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की सिक्सटीन ऑफ अक्टूबर का सो वो कौन सा कॉइन है जो कि रिलीज़ किया गया है दैट इज ऑप्शन डी रुपीज सेवेंटी फाइव का कॉइन जो है रिलीज किया गया है कमेमोरेटिव कॉइन ऑफ रुपीज़ सेवेंटी फाइव डिनोमिनेशन डिनोमिनेशन ऑन द ओकेजन ऑफ एनिवर्सरी ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑन सिक्सटीन ऑफ अक्टूबर विच अमंग द फॉलोइंगज़ लॉन्च द सेम डे सेटलमेंट फैसे ऑफ ऑल काइंड ऑफ फंड ट्रांसफ़र ऑन इट्स पेमेंट गेट वेज तो हमें यह बताना है वो कौन सी कंपनी है जिसने लॉन्च किया है सेम डेज सेटलमेंट फैसिलिटी सब के लिए ऑल काइंड ऑफ फंड ट्रांसफ़र ऑन इट्स पेमेंट गेट वेज तो वो कौन सी कंपनी है

इंक्ट किया है मतलब लोन एग्रीमेंट और ये कितने का है दैट इज फाइव सेवेंटी यूएसडी मिलियन का है और ये किसके साथ किया है सेंटर टू फंड पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग और इन इंस्ट्रेंथन करने के लिए अर्बन लोकल बॉडीज सो वो कौन सी दो स्टेट है बेसिकली जिनके लिए किया गया है सो वो कौन सी दो स्टेट है दैट इज ऑप्शन बी राजस्थान है मध्य प्रदेश वो स्टेट है जिनके लिए किया गया है ए डी बी हैज इन एग्रीमेंट वर्थ रुपीज यू एस डी फाइव सेवेंटी मिलियन विद द सेंटर टू फंड पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग एंड स्ट्रेंथन अर्बन लोकल बॉडीज इन राजस्थान एंड मध्य प्रदेश सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन सो नेक्स्ट में मूव करते हैं पिच ऑफ द फॉलोइंग टीम हैज द एन बी ए फाइनल ट्वेंटी ट्वेंटी बी टी म्यामी हीट टू क्लिंच द टाइटल सो हमें यह बताना है कि कौन सी टीम ने मतलब जीता है एन बी ए फाइनल ट्वेंटी ट्वेंटी और बीट की से क्या है म्यामी हीट क्लिंच करने के लिए इस टाइटल को सो so, किसने जीता है ये दैट इज ऑप्शन डी लॉस एंजलिस ने यह जीता है एन बी ए फाइनेंस ट्वेंटी ट्वेंटी बीटिंग म्यामी हिट टू क्लिच द टाइटल सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन सो नेक्ट इन अक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्री कैबिनेट हैज अप्रूव कैपिटल पनिशमेंट फॉर रेप सो वो कौन सी कंट्री है मतलब कौन सी नेबरिंग कंट्री है कैबिनेट है जिन्होंने अप्रूव किया है कैपिटल पनिशमेंट रेप के लिए सो so, वो कौन सी कंट्री है दैट इज ऑप्शन डी बांग्लादेश वो कंट्री है जिसने ये अप्रूव किया है कैपिटल पनिशमेंट फॉर रेप अगर बांग्लादेश की बात करें सो कैपिटल इज ढाका एंड द करेंसी टका नेपाल इज़ काठमांडू एंड द करेंसी रुपी और म्यांमार इज नाइपी दो इज क्या भूटान इज थिंपू एंड द करेंसी इज तरम सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन सो नेक्स्ट में मूव करते हैं

सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन सो नेक्स्ट पे मूव करते हैं हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन रिसेंटली इंडक्टेड एज अ मेंबर ऑफ टेक्निकल ग्रुप ऑन सोशल स्टॉक एक्सचेंज सो हमें ये बताना है कि किसको मतलब इंडक्ट किया गया है मेंबर ऑफ टेक्निकल ग्रुप ऑन सोशल स्टॉक एक्सचेंज का सो वो कौन है दैट इज ऑप्शन डी आर बाला सुब्रमण्यम हैज बीन रिसेंटली इंडक्टेड एज अम्बर ऑफ टेक्निकल ग्रुप ऑन सोशल स्टॉक एक्सचेंज सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन सो नेक्स्ट में मूव करते हैं ए डी बी हैज अप्रूव्ड अटैच मिलियन यू एस डोलर लोन टू फाइनेंस वाटर सप्लाई सेनेटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन राजस्थान सो ए डी बी ने कितना मिलियन डॉलर जो है अप्रूव किया है लोन फाइनेंस वाटर सप्लाई के लिए सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन राजस्थान से कितना अप्रूव किया है दैट इज़ ऑप्शन सी थ्री हंड्रेड मिलियन यू एस डॉलर लोन जो है फाइनेंस वाटर सप्लाई सैनिटेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन राजस्थान के लिए अप्रूव क्या है ए डी बी ने अगर ए डी बी की बात करें तो इसका हेड क्वार्टर मनीला फ़िलीपीस और जो इसके मतलब जो इसके नंबर ऑफ मेम्बर्स हैं वो है सिक्सटी एट सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन The Exim Bank has offered a line of credit of USD 310 million टेन मिलियन डॉलर टू द गवर्नमेंट ऑफ विच कंट्री सो हमें ये बता कि Exim बैंक ने ऑफर की है लाइन ऑफ क्रेडिट 310 हंड्रेड टेन मिलियन डॉलर की कौन सी गवर्नमेंट मतलब कौन सी कंट्री की गवर्नमेंट को सो so, कौन सी कंट्री है वो दैट इज ऑप्शन डी जिम्बाब्वे वो कंट्री है जिसको एक्सिम बैंक ने ऑफर किया है लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफ USD 310 थ्री हंड्रेड मिलियन डॉलर अगर जिम्बाब्वे की बात करें सो कैपिटल इज हरारे एंड द करेंसी इज डॉलर सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं इंटरनेशनल डे फॉर डिज़ास्टर रिडक्शन ऑन विच ऑफ़ द फॉलोइंग डेट्स टू प्रमोट अ ग्लोबल कल्चर ऑफ़ डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन सो हमें यह बताना है कि इंटरनेशनल डे ऑफ फॉर डिज़ास्टर रिडक्शन जो है ये कौन सी डेट को मतलब मनाया जाता है प्रमोट करने के लिए ग्लोबल कल्चर ऑफ़ डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन सो कौन सी डेट को ये मनाया जाता है दैट इज़ ऑप्शन डी अक्टूबर थर्टीन को ये मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर डिज़ास्टर रिडक्शन टू प्रमोट अ ग्लोबल कल्चर ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वो अमंग द फॉलिंग हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल ऑफिसर ऑफ आई सी आई सी आई सिक्योरिटीज सो किस को अपॉइंट किया गया है चीफ टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल ऑफिसर आई सी आई सी आई सिक्योरिटीज का सु so, कौन बने हैं दैट इज ऑप्शन डी सुभाष केलकर को अपॉइंट किया गया है चीफ टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल ऑफिसर ऑफ आई सी आई सी आई सिक्योरिटीज सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन सो नेक्स्ट में मूव करते हैं होस्ट की हैब्बर स्टेट की ऑन अक्टूबर सिक्सटीन को सो किसने की है दैट इज ऑप्शन बी रविशंकर प्रसाद ने ये होस्ट की है सेवन जस्टिस मिनिस्टर मीटिंग ऑफ एस सी ओ मैंबर स्टेट ऑन ऑक्टूबर सिक्सटीन सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस इन शफल ऑफ पोर्टफोलियोज एट द आर बी आई हु दॉलोइंगलोकेटेड द डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन सो हमें यह बताने की जो शफलिंग हुई है पोर्टफोलियोज की आर बी आई ने आर बी आई में सो किस को एलोकेट किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन सो किस को एलोकेट किया गया है दैट इज ऑप्शन डी एम राजेश्वर राव को एलोकेट किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन अगर हम बात करें एम राजेश्वर राव की सो so ये बने हैं फोर्थ डिप्टी गवर्नर ऑफ आर बी आई और पी पी कानून को हैं और एम के जैन है एन माइकल पत्रा हैं जो बाकी थ्री आ, डिप्टी गवर्नर है आरबीआई के सो so, टोटल डिप्टी गवर्नर्स होते हैं आरबीआई में four. ठीक है अगर हम गवर्नर की बात करें गवर्नर कौन है आरबीआई का शक्ति कांता दास सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन सो नेक्स्ट में मूव करते हैं दिवान एशिया एक्सचेंज फाउंडेशन कोऑपरेशन इन द इंडो पैसिफिक रीजन सो हमें ये बताने की तेवान एशिया एक्सचेंज फाउंडेशन ने साइन किया है एम कौन से इंस्टीट्यूशन के साथ जिसे वो प्रमोट करेगा कोपरेशन इंडो पैसिफिक रीजन में सो so, वो कौन से मतलब इंस्टीट्यूशन है जिसके साथ ये साइन किया गया है एम सो so, वो कौन सा इंस्टीट्यूशन है दैट इज़ ऑप्शन बी नेशनल मेरी टाइम इंस्टीट्यूशन नेशनल मेरी टाइम फाउंडेशन वो इंस्टीट्यूशन है जिसके साथ तेवान एशिया एक्सचेंज फाउंडेशन ने साइन किया है एम ओ यू जिसे वो प्रमोट करेगा कोपरेशन इन द इंडो पैसिफिक रीजन सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन सो नेक्स्ट में मूव करते हैं तो so, ये आज के लिए क्वेश्चन है सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा अगर कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अगर आज का अच्छा लगा हो, तो कंप्यूटर like, की वीडियोज uh, आ चुकी है वो भी आप जाकर देख लीजिएगा जैसे कि आज सबको पता है की एस का रिजल्ट आ चुका है सो so, जरूर देखेगा इस वीडियो को सो so, गायस मिलते हैं नेक्स्ट में मिस एन अपडेट